हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको निकेस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज की मेरी ये व्लॉग किस टॉपिक के ऊपर है आप लोगों को शायद थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। एंड यस, इट्स माय बर्थडे। आज मैं इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ कि मैं मेरी बर्थडे कैसे मनाई, क्या क्या किया सारा दिन, कहाँ गई घूमने और क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, लोग सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लोग ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत कुछ है इस वीडियो में आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल करके रखिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगेगी। सो देखिए, इसी तरह मेरी जो मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन है, मेरा बर्थडे वो सेलिब्रेट किया गया। आधी रात को कुछ ऐसी मनाई गई और बाकी वीडियो एंड तक देखते रहिए। क्या करती हूँ मैं आज का दिन, कैसे बिताती हूँ, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, एंड तक देखते रहिए वीडियो। अभी हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं एक मंदिर में जो माँ दुर्गा की ही एक रूप है। अभी हम लोग बस में चढ़ गए हैं और बस छोड़ते ही हम लोग उस मंदिर में पहुंच जाएंगे। हम लोग लखीमपुर से जा रहे हैं तो लखीमपुर से उस मंदिर तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाता है बस में। अभी हम लोग जा रहे हैं कोदुमनी आइथन, वहां जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि ये मंदिर कैसी है और सारी चीज़ वहीं जाके अपडेट देंगे। अभी हम लोग बस में चल रहे हैं और वहीं पे जा रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। मंदिर में पहुंच के ही आप लोगों के साथ बातें करेंगे क्योंकि अभी बस में इतना आवाज़ है कि मेरा ऑडियो आपको क्लियर सुनाई भी नहीं देगा, तो इसीलिए मंदिर में जाके ही बातें करते हैं, ठीक है। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और अभी हम लोग ले रहे हैं पूजा करने की थाली। माना जाता है कि ये मंदिर बहुत पुरानी और आध्यात्मिक जगह है। ऐसा भी माना जाता है कि माता देवी यहाँ पे उनके भक्तों को कभी भी निराश नहीं भेजते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माता देवी अपने भक्तों का प्रेयर जरूर पूरे करते हैं। कुछ साल पहले श्री श्री पद्मुनि महामाया आई मातृथान ऐसा दिखता था। इस मंदिर को नॉर्थ लखीमपुर की एक हिस्टोरिकल प्लेस भी मानी जाती है। नॉर्थ लखीमपुर से 25 किलोमीटर दूर इस मंदिर को स्थापित किया गया है। वहां के आदिवासी बोर्डीजो रिवर जाते समय उनको एक देवी दुर्गा की एक स्टेचू मिली थी और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यहां पे एक हिंदू टेंपल बनाया जाए और वहां के आदिवासी लोग मिलके 4 सितंबर 1952 में इस टेंपल का उद्घाटन किया था। ये सिर्फ एक हिंदू टेंपल ही नहीं बल्कि नॉर्थ लखीमपुर की एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी है। लेफ्ट साइड में आप लोग जो रूम देख रहे हो ये वाला, ये है रेस्ट रूम। यहाँ पे सब कुछ ही बहुत वेल मैनेज्ड है। यहाँ में दिया जलाने के लिए भी एक अलग सा रूम दिया गया है ताकि कुछ भी मैस ना फैले। अंदर से ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे जो आप लोग लेफ्ट साइड में सेपरेशन देख रहे हो वो भक्तों के लिए बनाई गई है। भक्त यहाँ पे लाइन में खड़े होके अपने टर्न आने की इंतजार करते हैं क्योंकि पूजा यहाँ पे बैच वाइज किया जाता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी टर्न आने पर भक्त यहीं से ऊपर जाते हैं और अपनी पूजा की थाली वहाँ पे पंडित जी के हाथ दे देते हैं।
और पूजा खत्म होने के बाद सबको अपना अपना पूजा की थाली वापस की जाती है। अब फिर से नेक्स्ट बैच का पूजा शुरू हो गया है। इसी तरह सारा दिन 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। सो चलिए अभी हम सब मिलके देवी की दर्शन करते हैं और मिलके हाथ जोड़ के भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। और ये मंदिर के ऊपर से कुछ व्यूज आप लोगों के लिए। पूजा खत्म होते ही राइट साइड के इस रॉ से भक्त नीचे उतरते हैं। यहाँ से पक्षियों का आवाज भी बहुत मीठी सुनाई देती है। इस मंदिर के कैंपस के अंदर एक शिव मंदिर भी था। सीधा जाके राइट टर्न करने पर एक बड़ी सी एरिया मिलेगी जहाँ पे यहाँ पे इतना अच्छा से सिस्टमेटिकली सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे जो कोई भी बलि उली के लिए आते हैं वो बलि देके यहीं पे प्रसाद बना के यहीं पे वो लोग प्रसाद लेके जाते हैं। इतना अच्छा से सिस्टम कर दिया है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है मुझे। श्री श्री पद्मनी आइथन की बैक साइड की व्यू है। यहाँ में बहुत क्यूट क्यूट रैबिट्स भी थे, शायद इन रैबिट्स को किसी ने दान में दिया था। और इस टाइम से इतना ज्यादा बारिश होना शुरू हो गया था कि हमें लखीमपुर बैक करना पड़ा। बारिश ज्यादा होने के कारण मैं शूट भी नहीं कर पाई और लखीमपुर बैक करते करते हमारा लंच टाइम हो गया था, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट रेस्टोरेंट चले गए। हम लोग रेस्टोरेंट में जाके कुछ क्लिप्स लेने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, जिसके वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, ये बोलना पड़ेगा कि लंच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लंच करके हम लोग घर आए और उसके बाद फ्रेशन अप होके फ़ोन चार्ज करके फिर से शुरू हो गए अपनी क्लिपिंग लेने। हे गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम कहाँ जाएंगे, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं फिल्म देखने। यस, फिल्म देखने जा रहे हैं हम लोग। अभी बज रहे हैं 4:45 इवनिंग के और फिल्म शुरू होने वाली है 5:15 को। आज का मौसम बहुत ही ख़राब था, जिसलिए हम ज़्यादा घूम भी नहीं पाए और रेस्टोरेंट आप लोगों को दिखाया ही है व्यू,
और रेस्टोरेंट से बस वापस आके सो गई थी। तो अभी हम लोग सिनेमा हॉल जाके आप लोगों से मिलते हैं। फिल्म देख के निकलने के बाद देखिए हालत बारिश का। सब लोग यहाँ देर से 2 घंटे का पूरा वेट किया बारिश कमने की, लेकिन बारिश नहीं कमी। और ऐसे ही जिसको बैटरी रिक्शा मिला तो वो चढ़ के दौड़े चले गए घर में, और जो बाइक लेके आए थे वो सब फंस गए इन बारिश में। करीब 11 बजे हम लोग देखे कि नहीं, बारिश तो कमने वाला नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही घर आ गए। और मूवी के बारे में क्या ही बताऊँ, मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये मूवी एक्चुअली हम लोगों ने 3D में देखा था, तो इस मूवी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। इस मूवी का 3D एक्सपीरियंस तो और भी लाजवाब था, और SS राजामौली जी ने इस मूवी को बहुत ही अच्छा बनाया। इस मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इस मूवी का स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, म्यूज़िक एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत ही अच्छा था। इस मूवी ने तो बॉलीवुड को बहुत पीछे ही छोड़ दिया। और इस फिल्म की मेन कैरेक्टर्स की तो बात जितनी की जाए उतनी कम है। इसमें तेलुगु फिल्म की एक्टर रामचरण और जूनियर NTR की तो मैं फ़ैन ही बन चुकी हूँ इस फिल्म को देखने के बाद, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही बाखूबी से अपना किरदार निभाया है। अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखिएगा, इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग।